एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये एक छोटा सा व्लॉग है और आज मैं जाने वाला हूँ अपने एसएससी जेई का एग्जाम देने के लिए कटक। तो वीडियो में बने रहना और ये एक छोटा सा व्लॉग रहेगा। पूरा आपको ट्रिप बताऊंगा किस तरह से कहाँ जाने वाले, क्या टेक्निक है, किस तरह से आजमाएंगे, सब एक चीज पॉइंट बताऊंगा आपको। तो वीडियो में बने रहना और चैनल को लाइक करना, तो वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। बेसिक कुछ बेसिक चीज़ें मैं ले लिया हूँ, जैसे कि मैंने अपना टॉवल ले लिया, अपना चार्जर ले लिया है, एक आईडी कार्ड ले लेता हूँ और ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कुछ भी एक लाइसेंस आपको लगेगा एग्ज़ाम के लिए, तो वो चीज़ भी मैं ले लूँगा। और बेसिक बैग में ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि एग्ज़ाम में तो अलाउड नहीं है, ये रुमाल ले लेता हूँ और अपना ईयरफोन लिया हूँ। और बेसिकली कुछ लिया नहीं हूँ, लैपटॉप तो नहीं ले रहा, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। तो हो चुका हूँ मैं रेडी अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत हैंडसम दिख रहा हूँ, लेकिन मेरा मैंडेटरी ईयरफोन जो चीज़ रहना ज़रूरी है चीज़ है मेरे पास। ये बैग मेरे पास है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसे मेरे पास है, बस इतना ही काफ़ी है। अब हम निकलते हैं, रूम लॉक करते हैं, मेरा दोस्त मेरा वेट कर रहा है अपना हॉस्टल के बाहर, तो वहाँ तक जाएंगे हम आउट कैंपस और वहाँ से फिर ऑटो पकड़ेंगे और निकलेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहले जो मैंने अपने ड्रेस को वॉशिंग मशीन में दिया है उसको मैं निकालना भूल गया, तो पहले मैं ड्रायर से ड्रेस निकाल के उसको सुखा के फिर निकलते हैं। हॉस्टल से भी निकल चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ अपना मार्केट जाऊँगा, वहाँ से ऑटो लेने की कोशिश करूँगा। कोई शेयर ऑटो मिलता है तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि रिजर्व करके जाएंगे तो पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो कोई ऑटो खोजूंगा पहले, उसमें चलते हैं। तो ये मेरा हॉस्टल एरिया है, आप देख लो, ये अपना हॉस्टल कैंपस है, ब्रह्मोस भवन है, ये मेरा हॉस्टल अभी इलाका है, अच्छा लगता है शाम के टाइम पर यहाँ पर ही। बाय बाय हॉस्टल, मिलेंगे आपसे कल। चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा। आगे मेरा दोस्त खड़ा है, उसको भी आपको दिखाऊंगा अभी, राजेश उसका नाम, उसके साथ ही मैं जा रहा हूँ। ये हम लोग का काफ़ी रहते हैं, काम करते हैं। मैं सोचा था गाइस कि आके अपना जेरोक्स निकाल लूँगा एडमिट कार्ड का, लेकिन यहाँ आके देखा कि ये जेरोक्स दुकान ही बंद है, ये दुकान बंद है अभी फ़िलहाल के लिए, तो कटक जाके निकालेंगे फाइनली। और क्या, अब जाना हम लोग उस तरफ जाना है और वहाँ से ऑटो पकड़ना है। फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपना ट्रेन आने का। आप देख सकते हो ये मेरा दोस्त है राजेश, वो भी वेट कर रहा है स्टेशन में, हम लोग दोनों वेट कर रहे हैं ट्रेन आने का। अभी ट्रेन आएगा 10 मिनट में, उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठ के चलेंगे कटक के लिए।
संडे है और मैं पहुंच चुका हूं अपना एग्ज़ाम देने का सेंटर आयोन डिजिटल, वहां आज हम लोग का एग्ज़ाम है तो मैं वहां पहुंच चुका हूं। अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करूंगा और फिर एग्ज़ाम देने के लिए निकलेंगे। 8:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है तो अभी मैं बहुत जल्दी पहुंच चुका हूं, 7 बज रहा अभी, बिकॉज नया जगह है तो जल्दी पहुंचना चाहिए। तो अभी मैं कुछ नाश्ता वास्ता करता हूं, उसके बाद चलेंगे एग्ज़ाम देने, फिर आके आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम गया कैसा। ठीक है, पहुंच गए। अभी आगे देखिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वहां जाके मैं भी अपना रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। मैं आपको एरिया दिखा देता हूं। गाइस फाइनली रीच्ड हॉस्टल। यार 2 दिन का जर्नी था तो कटक में था तो सोचा बाली यात्रा भी घूम लेता हूं, तो बाली यात्रा घूम लिया, इसका एक व्लॉग बनाया, वो व्लॉग भी आने वाला, देख लेना। और एग्ज़ाम कैसा गया, किस तरह का क्वेश्चन था, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा, और किस तरह से प्रिपेयर करना वो भी आपको बताऊंगा, वो आने वाले एक वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। ओके।